हफ्ते का लगातार एक प्रोटेस्ट रहा पूरे हुजूम का, पूरे कंट्री में द पीपल कम आउट फ्रॉम यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, स्कूल्स, इवन द सिविल सर्विस मार्केट, दे वर फिल्ड विद द प्रोटेस्ट्स, एंड बाय दैट वेरी फोर्स शेख हसीना वाज फोर्स्ड टू फ्लिप फ्रॉम द कंट्री. एंड स्कोर्स ऑफ डेथ्स, दिस रेवोल्यूशन, दिस प्रोटेस्ट सा द स्कोर्स ऑफ डेथ्स, बहुत सारे लोगों ने मारे वहां पे प्रोटेस्ट में, मारे उनको जो है गोलियां चलाई गई. And later on, she announced the resignation. और उसके फौरन बाद, she announced the resignation. उसने इस्तीफा दे दिया. And by this, this was the end of the 15 years rule. यहाँ पे एक हफ्ते के revolution से, एक हफ्ते की protest से, Sheikh Hasina का 15 साल का जो 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 term थी, जो government की department, ये खत्म हो गया. But the question is not, the question is why there has been the protest. That's the big question. Why she has to flee from the country? सवाल basically ये. देखो सवाल, question ये. Cause of demonstration and protest. Cause क्या था? 56% of quota in civil service jobs. पहली बात ये है कि वहाँ पे जितने भी civil services के jobs निकलते हैं, civil service के jobs, उन civil service के jobs जितने, उनमें से 56 civil service jobs ऐसी थी जिनमें reservation थी. क्या थी? Reservation. कितनी reservation थी? 30% were reserved for the freedom fighters. उन लोगों के लिए थे, उनके बच्चों के लिए थे, जिन्होंने 91 में बांग्लादेश को आजाद करने में हेल्प किया था, उनके बच्चों के लिए 30% की रिजर्वेशन रखी गई थी. कितने सर्विसेज में? 56 सर्विसेज में रिजर्वेशन रखी गई. ओके, एक दिस वाज इन दिस रिजर्वेशन सिस्टम इन बांग्लादेश वाज इंट्रोड्यूस सून आफ्टर 1992 व्हेन इट गॉट इंडिपेंडेंस, व्हेन इट गॉट सेपरेटेड फ्रॉम द पाकिस्तान, इट वाज इंट्रोड्यूस इन 1972. ओके, सो इसमें व्हाट वाज दिस रिजर्वेशन, this quota system has actually created a lot of resentment. Resentment means naraazgi, anger among the common people, among the common masses, among the common citizens. Because they thought that the reservation, we have the least chances to get selected as a civil service officer. So there was already the students, universities, colleges, schools, and the people who cannot make to the civil service, they actually protested against it for a long time that this resolution should be ended because we are getting less chances to get selected as civil service. So iske liye pehle se hi ek jo barood ban raha tha, woh aisa ban raha tha against this, against the government. Okay? Yes, sir. And jab protest hue, this was not the first protest. 2018 mein ye jo hai is reservation ko khatam kiya gaya. कब? 2018 में इसको खत्म किया गया. ये उस वक्त प्रोटेस्ट की बात करें तो यहाँ पे खत्म किया गया. ओके, 2018 टू 2014 देयर वाज नथिंग अबाउट, देयर वाज नो मूवमेंट अबाउट दिस रिजर्वेशन एट ऑल. बट 2014 में, 2024 में क्या हुआ? अभी दो महीने पहले क्या हुआ? कोटा सिस्टम वाज बैक बाय 5/4. वो लोग जिनकी रिजर्वेशन थी, यानी कि जो लोग जिन फ्रीडम फाइटर्स की रिजर्वेशन थी, जब उसको खत्म किया गया 2018 में, दे वेंट टू द हाई कोर्ट ऑफ बांग्लादेश. उन्होंने कहा कि वी आर डिजर्विंग द कोटा सिस्टम बिकॉज़ वी हैव सैक्रिफाइस्ड आवर लाइव्स, आवर ग्रैंड पेरेंट्स, आवर पेरेंट्स हैव सैक्रिफाइस्ड देयर लाइव्स, दे हैव बीन किल्ड, दे हैव बीन फेस सो मेनी थिंग्स अगेंस्ट दिस फाइट, सो वी डिजर्व दिस रिजर्वेशन, हमें ये रिजर्वेशन देना ही है. एंड दे टुक दिस केस टू द हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट ने अभी भी क्या फैसला किया 2014 में, इट वाज बैड. उसने कहा कि दीस पीपल डिजर्व द रिजर्वेशन, इनको ये नहीं छेना चाहिए, इट वाज बैड. जब ये बैड आ गया तो फिर वही मूवमेंट वापस आ गया, लोगों में फिर नाराजगी हो गई, फिर वो जो है हाइप हुआ, लोगों में जो है फिर नाराजगी आ गई, ये कैसे हो गया. सो यहाँ पे थोड़ा इसको जो है, जब पब्लिक में ये बात आई, पब्लिक डोमेन में ये बात आ गई, तो न्यूज पेपर में, टीवी में, गवर्नमेंट में प्रेशराइज हुआ. नाउ गवर्नमेंट हियर शेख हसीना वाज वेरी इलेक्टेड, जब उसको पूछा जाता था ये क्या प्रॉब्लम, ये क्या मसला, यही बात कहती थी. हाई कोर्ट ने वापस आया, जुडिशियरी इज द सुप्रीम, जुडिशियरी इज अ चेक, जुडिशियरी कैन नॉट बी चैलेंज्ड, हाई कोर्ट कैन नॉट बी चैलेंज्ड बिकॉज़ देयर इज द सेपरेशन ऑफ पावर्स, वी नो दैट चेक्स एंड बैलेंसेस. तो ये वो कहती थी हाई कोर्ट ने किया, हम क्या कर सकते हैं. सो यहां पे अब कट इट पॉज हियर, but people civil protested, people civil came out from the universities, colleges, everywhere they protested in the market. Okay, so Sheikh Hasina commented that these people are razakars, these people are razakars. Who are the razakars? Razakars is the term used in Bangladesh are the people who are actually supporters of Pakistan. Okay, so yes, those people who supported the Pakistan in 1971 war, these people were called as supporters. तो शेख हसीना डिस्क्राइब हियर दैट दैट व्हाई शुड वी गिव द व्हाई शुड वी एक्सेप्ट द प्रोटेस्ट ऑफ रजाकार्स एंड वी नॉट गिव
the quota reservation to the people who sacrificed their lives for the freedom of the nation. So better is to give the edge to those people who sacrificed their lives. So every, according to the heart, everybody who actually protested against the quota, they are Raza Khan, they are some of those of Pakistan. So this actually, this ignited the more people, this ignited the more protesters. This actually drew the more people from different governments to protest against that we are not Raza Khan, we are Bangladeshis. So the result was that in that his protest, opposite a student got killed. When there is a killing in a protest, there is actually a cycle of protest. When one student gets killed, one person gets killed, the protest actually intensifies everywhere. It intensifies. Okay? So later more protest, it will be more killing, more protest, more. This cycle started here. When opposite got killed, people came more and they protest more. The result was 266 people got killed. And out of these 266, 32 were children. 32 were children. Okay? So this actually, put the whole Bangladesh on fire. It's the whole Bangladesh on fire. This was the one reason why there was a protest, why this Sheikh Hasina has to fill it from the Bangladesh instead of money. Another reason was that Proto University pension scheme. She started a pension scheme. While 10% of employees' basic salary was to be deducted. Jahan pe jo basic salary jinki thi employees ki usko deduct kiya jata tha, kiya jane laga, wo unko denge after the retirement. Yani ki presently jo pension rahi thi us pe by force without the will of the employees usko jo. This also created a problem for Bangladesh that people, the university student, the teachers, professors and everything, they were not ready to accept it. So isse bhi jo hai protest badh gaya. Okay, yahan pe aage do reason aa gaye yahan pe. Ab yahan pe ek aur reason ye hai ki relevant yahan pe ek reason aa gaya, why we 71 more. How is this relevant to? Acha, aur ek reason tha, that is jo logon ki naraz main aap shayad if you know that ki maine aapne padha hoga French revolution, aapne padha hai this Russian revolution, aapne padha hoga American revolution. So the revolution is not a sudden movement. It is not a sudden eruption. Actually, when over a period of time, the people get fed up with the policies, they actually feel alienated, they actually feel there is exploitation of people, the section of the people are facing some kind of exploitation, inequality, there is creating the gap between poor and rich. The people, the economic growth that in a country is taking place, few people are getting benefit because of it. So actually this is when there is a bloom, jaise balloon ban jata hai, hawa bhar jata hai, phir ek din phat jata hai. Isi tarah jab wo bahut sara gussa aisa kisi bhi reason se bhar jata hai, to phir revolution aa jata hai, phir wo kisi bhi reason se jo hai phat jata hai. Jaise maine aapko bataya 1857 this mutiny, बहुत सारे जो इंडिया का कल मैंने बताया कि किस तरह से फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया में हो गया था. ओके, तो इसी तरह जो है और भी रीजन थे कि बांग्लादेश में लोगों में बहुत ज्यादा रिजेंटमेंट था. फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक ग्रोथ वाज देयर. ओके, इकोनॉमिक ग्रोथ वाज देयर बट फ्यू पीपल वर गेटिंग बेनिफिट ऑफ इट. फ्यू पीपल वर गेटिंग बेनिफिटेड फ्रॉम इकोनॉमिक ग्रोथ. ओके, देयर वाज अ लॉट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. Unemployment, so students were facing a lot of unemployment. There was inflation. The people were not able to fetch essential things from the market. Wo market se important cheeze nahi khareed sakte the kyunki itna inflation, itna price down badhta ja raha tha, logon ki income nahi badh rahi thi. This was also a reason. But the cost, discrimination, that is also there. So these were actually the reasons that created this hype in the Bangladesh. Now, one question is here. How is 1971 war relevant? इसमें आज के प्रोटेस्ट में ये कैसे रिलेवेंट है? इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? यहाँ पर मैं थोड़ा आपको बता दूँ. 1971 war से पहले actually these are the seeds of partition of India. Partition of India. आपने पढ़ा होगा when India was partitioned into two parts. Pakistan and India. And Pakistan was created for the people who actually were the most majority country. And India was the country that was created who has a Hindu majority. Okay? Hindu majority. Okay? Lekin Pakistan pe jo hai ek aur reason ye tha. Pakistan to jo hum aaj Pakistan usko kehte hain, ek to wo tha. Lekin dusra jo Bangladesh tha, it was also the part of Pakistan. Okay? Theek hai. Lekin
वहां पे क्या हुआ 1971 से पहले 1948 से यहां पे पाकिस्तान ने बांग्लादेश को डिफरेंटली ट्रीट करना शुरू किया। उन्होंने उसको वो हक नहीं दिया, वो चीजें, वो फॉर एग्जांपल चीजें नहीं दी जो वो डिजर्व करती थी। फॉर एग्जांपल पहले ही पाकिस्तान ने वहां पे 1948 में पूरे पाकिस्तान में बांग्लादेशी बांग्लादेश में इस वाले पाकिस्तान में भी एक लॉ नेशनल लैंग्वेज क्रिएट की। उसने कहा कि उर्दू विल बी द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान। लेकिन बांग्लादेशीज रिएक्टेड टू दैट। बांग्लादेशीज सेड दैट आवर मदर टंग इज आवर मदर टंग और आवर बेसिक लैंग्वेज इज द बांग्लादेशी बंगला, सो व्हाई शुड वी एक्सेप्ट उर्दू एज अ नेशनल लैंग्वेज। इफ यू वांट टू क्रिएट उर्दू एज अ नेशनल लैंग्वेज दैट बंगला लैंग्वेज शुड बी आल्सो इंक्लूडेड इन इट। एंड पाकिस्तान डिड नॉट एक्सेप्ट इट। द रिजल्ट वाज दैट लेटर ऑन दे प्रोटेस्टेड एंड टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग इन द होल वर्ल्ड द 21st फरवरी व एवरी ईयर वी आर सेलिब्रेटिंग एज द इंटरनेशनल मदर टंग डे। उसकी ऑरिजिन क्या है? बांग्लादेश। और उसका रीजन क्या है कि पाकिस्तान ने उर्दू को नेशनल लैंग्वेज बनाने की कोशिश की थी, बांग्लादेश नहीं माना था उस समय। बांग्लादेश को शायद इंडिया के लिए पता चल गया था शायद हमने कोई गलती की कि हमने पाकिस्तान को चूज किया। लेकिन दूसरी रीजन यह है कि लेकिन जो भी पाकिस्तान में इलेक्शन होते थे वगैरह जो भी चीजें हम वो अपना कल्चर उन पर थोपना चाहते थे, वो अपना जो है अपनी पॉलिसी उन पे थोपना चाहते थे। हाउ हाउ आर वी आल्सो नो दैट डिफरेंट स्टेट डिफरेंट कंट्रीज हैज टू बी दे हैज टू बी गवर्नर अकॉर्डिंग टू देयर ज्योग्राफिकल सिचुएशन। ओके, फॉर एग्जांपल एक इलाके का एक ज्योग्राफिकल सिचुएशन होगा, पॉलिटिकल सिचुएशन होगा, कल्चरल सिचुएशन होगी, बाकी चीजें दूसरे के अलग होंगे। देन वी हैव टू टेक देम अकॉर्डिंग टू देयर ओन कल्चर्स। हम किसी के अपना कल्चर नहीं थोप सकते हैं। इफ वी वांट टू बी यूनाइटेड, अगर हम कोई भी कंट्री कोई भी स्टेट यूनाइटेड रहना चाहते हैं तो हमें हर एक रिलीजन हम एक सोशल कल्चर हिस्ट्री को रेस्पेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन बट पाकिस्तान फेल एट दैट मोमेंट। दे डिडंट हीड, दे डिडंट रेस्पेक्ट, दे डिडंट गिव द मैक्सिमम ड्यूज टू देयर कल्चर। उन्होंने उसको कल्चर को उतना रेस्पॉन्स नहीं, उन्होंने लैंग्वेज की हम एग्जाम्पल दिए। इसी तरह मेनी रीजन फॉर एग्जाम्पल उर्दू लैंग्वेज इंटरेस्ट मदर्स अच्छा ये सारी चीजें जो है लेटर 1971 में जो क्या हुआ कि पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान जिसको हम आज बांग्लादेश कहते हैं दे प्रोटेस्टेड। उन्होंने बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट किया, जंग किया, लड़ाई की वहां पे कि हमें अब जो है पाकिस्तान का कोई एक्सक्यूज नहीं है, चाहिए हमें अब किसी भी हालत में अपना अलग सेपरेट मतलब तो यहाँ पे जो है दिस वॉज वेरी इजी टू सेपरेट। यहाँ पॉज करना पड़ा।